ये बहुत ही हर्ष की बात है कि इस राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में देश भर के सभी राज्यों से 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ पर यह समारोह संपन्न हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कबड्डी की मैच यहाँ पर चल रही है और उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत सुंदर इस प्रकार की मैच ये चल रही है और जिस प्रकार से हमारी बच्चियाँ यहाँ पर खेल रही है, मैं दोनों टीमों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये सारा खेलकूद यहाँ पर हो रहा है और मेरा विश्वास है कि हमारे एकल अभियान ने गांव-गांव में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और खेलकूद के जो अवसर प्रदान किए, उसके कारण जो बच्चे शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, आज वो बच्चे भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं। एकल अभियान ने देश के सुदूर इलाकों में और विशेष रूप से आदिवासी भागों में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है, जिसके कारण देश को अच्छे खिलाड़ी मिल रहे, बच्चों को अच्छे संस्कार मिल रहे। मैं एकल अभियान का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, सभी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। और साथ साथ हम सभी जानते हैं कल प्रभु श्री राम जी के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।